नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल. कैपेसिटर्स आर सेट टू बी इन पैरेलल व्हेन दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम. दे मे और मे नॉट हैव सेम चार्ज. एग्जाम्पल के लिए दिस इज अ सिस्टम ऑफ थ्री कैपेसिटर्स C1, C2, C3 और तीनों अगर एक बैटरी से लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है क्योंकि तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. अब ये निकालने के लिए कि तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं है, बैटरी के इस टर्मिनल पे अगर जीरो पोटेंशियल मान लिया जाए तो इस पॉइंट पे भी जीरो होगा क्योंकि ये कंडक्टर है. किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. इस पॉइंट पे भी जीरो होगा, देयरफॉर यहां पे भी जीरो होगा. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस पॉइंट पे भी जीरो होगा. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस पॉइंट पे भी जीरो होगा. और बैटरी के इस टर्मिनल पे पोटेंशियल वी है क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वी होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वी होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वी होगा. अगर आप तीनों कैपेसिटर को देखें, तीनों कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस वी पे हैं, दस तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं. वी कैन डिस्कस मोर एग्जांपल्स. लेट अस टेक दिस केस. आर दीज थ्री कैपेसिटर्स इन पैरेलल? टू फाइंड की कैपेसिटर्स पैरेलल में है या नहीं, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू मार्क पोटेंशियल एट ईच पॉइंट. लेट अस से इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो यहां पे भी पोटेंशियल जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी जीरो होगा. ये भी कंडक्टर है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, इस पॉइंट पे भी जीरो होगा और इस पॉइंट पे भी जीरो होगा. बैटरी के इस टर्मिनल पे पोटेंशियल वी है, तो इस पॉइंट पे भी वी होगा. यहां से यहां गए, इस पॉइंट पे भी वी होगा, इस पॉइंट पे भी वी होगा. यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, इस पॉइंट पे भी वी होगा, इस पे भी वी होगा, इस पे भी वी होगा. अगेन तीनों कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, दस थ्री कैपेसिटर्स आर अगेन इन पैरेलल. नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये चार कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, C4 और ये बड़े टिपिकल से अरेंजमेंट है, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में है. अगेन टू फाइंड कि कैपेसिटर पैरेलल में है या नहीं, हमें डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल्स को मार्क करना पड़ेगा. तो बैटरी के अगर लोअर एंड पे पोटेंशियल जीरो मान लिया जाए तो यहां से यहां इस पॉइंट का भी जीरो, इस पॉइंट का भी जीरो और इस पॉइंट का भी जीरो, फिर यहां से यहां गए, इस पॉइंट का भी जीरो, इस पॉइंट का भी जीरो और इस पॉइंट का भी जीरो. बैटरी के इस टर्मिनल पे पोटेंशियल वी है, तो यहां से यहां गए, इस पॉइंट का वी एंड देयरफॉर इस पॉइंट का भी वी और इस पॉइंट का भी वी, फिर यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां गए, इस पॉइंट का भी वी और इस पॉइंट का भी वी. दस चारों कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस V0 पर है. चारों कैपेसिटर एक्चुअली में पैरेलल में ही हैं. इस टाइप का वायर का अरेंजमेंट, इट मींस दोनों वायर आपस में टच नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट में नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल, ये तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 आर दे इन पैरेलल? टू फाइंड दैट, लेट अस मार्क पोटेंशियल. इस पॉइंट का जीरो, तो इस पॉइंट का भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो. इस पॉइंट का पोटेंशियल V, तो यहां से यहां गए, इस पॉइंट का भी V एंड देयरफॉर इस पॉइंट का भी V, इस पॉइंट का भी V और इस पॉइंट का भी V. दस इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V0, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी V, इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस V. दस अगेन तीनों कैपेसिटर पैरेलल में ही हैं. सिमिलरली अगर इन दो कैपेसिटर की बात किया जाए और बीच में यहां पे बैटरी है V वोल्ट की, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, तो इस पॉइंट पे भी जीरो, इस पे भी जीरो एंड देयरफॉर इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो और इस पे भी जीरो. और बैटरी के इस एंड पे पोटेंशियल अगर वी है, तो यहां पे भी पोटेंशियल वी, यहां पे भी वी, यहां पे भी वी. दस इन दोनों कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी ही है. दोनों कैपेसिटर अगेन पैरेलल में ही है. तो पहली चीज तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैपेसिटर्स पैरेलल में है या नहीं. और ये आइडेंटिफाई करने के लिए इट वुड बी वेरी यूजफुल कि अगर हम डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल्स को मार्क कर लें. किसी कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल. तो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C1, C2, C3 ये तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में है, वी हैव सीन, और तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो कैपेसिटर C1 की बात करें, लेट अस से कैपेसिटर C1 के ऊपर आने वाला चार्ज इस प्लेट पे प्लस Q1 एंड देयरफॉर इस प्लेट पे माइनस Q1 होगा। कैपेसिटर C2 के इस प्लेट पे लेट अस से Q2 चार्ज और माइनस Q2, कैपेसिटर C3 के ऊपर चार्ज Q3 और माइनस Q3। नाउ कैपेसिटर C1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V था एंड देयरफॉर जो कैपेसिटर C1 के ऊपर चार्ज आएगा वो C1 into V होगा। किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली कैपेसिटर C2 के ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V था एंड देयरफॉर कैपेसिटर C2 के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू C2 into V। कैपेसिटर C3 के ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V था तो कैपेसिटर C3 के ऊपर आने वाला चार्ज C3 into V के बराबर होगा। दस तीनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है अगर वो तीनों पैरेलल में हो तो, और वो सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस V पे लगे हुए हो। नाउ अगर हम इन तीन प्लेट्स को देखें, दिस प्लेट और दिस प्लेट, इन तीनों प्लेट के ऊपर बैटरी जोड़ने से पहले चार्ज जीरो था, बैटरी जोड़ने के बाद जो चार्ज आया वो Q1, Q2, Q3 इन तीन प्लेट्स पे चार्ज आया, और ये कहां से आया? इट मस्ट हैव फ्लोन फ्रॉम द बैटरी। दस जो चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड दिस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू V। सो दिस इज द टोटल चार्ज विच विल फ्लो फ्रॉम द बैटरी। नाउ अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो पहली चीज तो यह समझनी पड़ेगी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। लेट अस से एक सिंगल कैपेसिटेंस होती सी, और वो भी इसी बैटरी वी वोल्ट की के साथ में लगी होती, तो इस कंडीशन में जो इस सिंगल कैपेसिटर सी के ऊपर चार्ज आता वो बराबर आता सी इंटू वी। अब अगर ये बैटरी इस सिंगल कैपेसिटर के ऊपर उतना ही चार्ज क्यू भेजे जितना इन तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर भेजा था क्यू, तो इस बैटरी के लिए ये सिंगल कैपेसिटर सी इन तीन कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट है। बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, दोनों कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस वी है। बैटरी का काम चार्ज देना है, अगर दोनों कंडीशन में चार्ज क्यू सेम है तो इस बैटरी के लिए ये सिंगल कैपेसिटर इन तीन कैपेसिटर के इक्विवेलेंट है। मतलब इस बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एक सिंगल कैपेसिटर सी जोड़ दें या तीन कैपेसिटर जोड़ दें C1, C2, C3 पैरेलल में। दस अगर दोनों के ऊपर चार्ज क्यू सेम हो तो ये सिंगल कैपेसिटर इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा। तो CV को अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 V के बराबर कर दें, we will have C will be equal to C1 plus C2 plus C3 and this will be the equivalent capacitance of this system. तो जब capacitors parallel में लगे होते हैं उस system की equivalent capacitance C1 plus C2 plus C3 के बराबर होती है।